अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हम बनाने जा रहे हैं केक, बनाना केक जो कि हमने सूजी से बनाया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमने सूजी लिया है, इसमें हमने क्या क्या डाला है आप आगे वीडियो में देखिए। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा बनाने की, केक एक अच्छा बना है ये, खुद घर पे बना सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन ना हो तो भी आप सिल्वर के बर्तन में बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा केक तैयार है बनकर, और ये खाने में बहुत टेस्टी है। देखिए आगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या लिए हैं। इसमें हमने लिया है ये अंडा लिया है, ये हमारा बेकिंग सोडा है, ये रिफाइन ऑयल है, और ये हमारे पास एक कटोरी सूजी है जो कि मोटी सूजी थी, मिक्सर में पीस लिया है, और ये हमारे पास चीनी है पीसा हुआ, और ये अंडा, दो केला लिया है। इसमें हमने नमक और दूध भी रखे हैं। सबसे पहले आप अंडे को फोड़ लीजिए, और इसको विस्फर से, हैंड विस्फर से आप चलाइए। थोड़ी देर आप चलाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आप चलाते रहिए, ये जब अंडा घुल जाए तो यहाँ पर हमारा इस तरह से अंडा चला रहे हैं। फिर आप इसमें शुगर ऐड कीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा करके शुगर ऐड करना है, पूरा शुगर ऐड नहीं करना है, नहीं ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसे हमने एक कप शुगर लिया था जो कि पीस लिया था मिक्सर में, और यहाँ पर देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। और इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए, फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ऐसा हो गया है। अब यहाँ पर हम दूध को डालेंगे। दूध हमने यहाँ पर एक कटोरी से ज़्यादा लिया है, जो मैंने कटोरी दिखाया उससे ज़्यादा ये दूध है, थोड़ी ही मात्रा में डालेंगे। यहाँ पर हमने दूध को मिक्स किया है, ये जो आप देख रहे हैं ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है। इन दोनों को सूजी में हम डालकर छन्नी से छानेंगे यहाँ, और फिर इसको फेटेंगे। चलिए आप इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। जैसा कि अंडा में प्रोटीन पाया जाता है आप सभी जानते हैं, ये हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और ये हमारा बनाना केक तैयार होगा। अभी इस तरह से आप इसको भी करते रहिए, आपके पास जैसी अगर हैंड मशीन है तो इससे भी कर लीजिए, नहीं तो वैसे भी चलेगी इस वाली मशीन से, जिसके और नहीं है तो चम्मच भी चलेगा। यहाँ पर रिफाइन ऑयल जो कि आधा कप से कम था वो डाल दिया हमने। इस तरह से फिर चलाते रह जाइए, जितना आप चलाएंगे इसका टेक्सचर उतना अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हम छन्नी की मदद से सूजी को छान लिएंगे, आप लोग इस तरह से छान लीजिए, और फिर आगे दिखाते हैं कैसे आप बनाना है। आपने वीडियो कट नहीं किया है, बहुत कम कट किया है, हमारी वीडियो लंबी हो गई है, 8 मिनट के ऊपर हो गई है। यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने दिखाया है, आप इस तरह से चलाइए, फिर इसको लगभग 5 मिनट आप चलाते रहिए, फिर हम इसे रखेंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा अभी पतला टेक्सचर है, पर ये 15 मिनट के लिए रखने के लिए तो ये सूजी हमारा फूल जाएगा, जिससे थोड़ी उसकी पेस्ट गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये पेपर ले लिया है, यहाँ पर जो कि पेपर है, फॉयल पेपर हमारे पास नहीं है तो ये पेपर है, इसमें चिपकेगा नहीं। हम आपको जुगाड़ बताते हैं, ये पेपर वो पेपर है, जैसे आप स्टिकर मंगवाइए कहीं ऑनलाइन चाहे जैसे भी, तो उसके पीछे जो लगा रहता है वही वाला पेपर है जो कि इसमें काम आता है। यहाँ पर हमने खड़ी चीनी को डाल दिया है, और अब हम केला को काट लेंगे। देखिए आपकी मर्ज़ी, जैसे चाहे उस शेप में आप केले को काट सकते हैं। यहाँ पर हमने केले को, यहाँ पर हमने दो ही केला यूज किया है, देखिए
जैसा आप देख रहे हैं, आप इस तरह से छिलके निकाल लीजिए और सभी को काट के इकट्ठा कर लीजिए। फिर इस भगोने में इधर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, उधर हमारा जो पेस्ट बना के रखे हैं केक के लिए सूजी वाला, वो 15 मिनट तक रहेगा, तब तक वो फूल जाएगा तो फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम इसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम लगा देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जैसे लगाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारी ये तैयार हो रही है। इस तरह से हम सभी बनाना को इसमें एडजस्ट कर देंगे। अब चलिए हम लाते हैं इसका फीलिंग, देखते हैं कैसा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये गाढ़ा हो गया है। अब इसको थोड़ी देर और हम फेटेंगे पेस्ट को। अब इसके ऊपर डालेंगे, देखिए आप इस तरह से फेट कर डाल दीजिए और फिर थोड़ा सा टैप करना इसमें। देखिए यहाँ पर ऐसे डालना कि पूरा ये बनाना ढक जाए, और टैप कर दीजिए। और इसे गैस चूल्हे पे स्लो फ्लेम पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने स्लो फ्लेम पे रखा था, पर फ्लेम मेरा स्लो इतना नहीं था, तो दोबारा हमने इसके तावे के ऊपर रखा है। देखिए यहाँ पर एक तरफ हमारा हो गया है, तो अब हम इसको उतारेंगे। इस तरह से उतार के फिर दूसरी तरफ पकाना है हमें। यहाँ पे देखिए इस तरह हमारा पक चुका है, जैसा कि किनारे पर आपको दिख रहा है। आप इस तरह से बर्तन लीजिए और पलट लीजिए। आपके देखिए यहाँ पर वीडियो हमने कट नहीं किया है, भगोने में से अपने आप ही छोड़ दिया है, और भगोना में वैसे ही कागज़ लगा था। और इस तरह से हमारा हो गया। फिर दोबारा हम इसको उल्टी साइड में पकाएंगे। वो वीडियो शायद मुझसे कट गई है। इसको फिर उसी भगोने में रख कर 10 मिनट फिर उल्टी साइड पकाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कैसा हमारा बना है। ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, हम यहाँ पर खा चुके। दोबारा हमने काटा है खाने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने सूजी से बनाया है। आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, या ब्रेड का जो पाउडर आता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे